जो लोग आप लोगों के साथ अन्य शिक्षक जो रहे और आप लोग के साथ बैठकर ऑब्जर्वर के रूप में उसको ऑब्जर्व किया, वो लोग अब अपनी एक छोटी छोटी जो इनका फाइंडिंग्स रही उस पर एक दो दो मिनट कुछ अपनी बात रखेंगे। सब लोग इतनी आते हैं, मुझे लगता है तो आने जाने का समय बचेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक साथ ही आ जाए, एक साथ ही आते हैं तो आने जाने का समय बचेगा। आप लोग भी आगे आ जाए तो समय बचेगा आने जाने का। आप दो मिनट के लिए काम रोक लेंगे, हम लोग आप लोग को समय दे देंगे इस काम को करने के लिए। दो मिनट रोक लीजिए और सब लोग जो बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से दो मिनट सुन लें। आप अपना लिखने का काम लिखने के काम को रोक लें, लिखने के काम और ड्राइंग के काम को रोक लें। तो दो काम के लिए रोक लें, सभी लोग रोक लें, रोक लें। आप लोग हम लोग समय देंगे। उसको समझ लिया और अंदर उतार दिया बहुत सारी चीजें, तो वो बहुत अच्छा है। तो तुम लोगों को जब हमने फर्स्ट डे देखा सेकंड हाफ में जो पहले आपका परिचय वाला सेशन चालू किया था, उठ के नहीं आ रहे थे यहाँ, है ना? आप लोग उठ के नहीं आ रहे थे, बहुत मुश्किल तो मुड़ो तो मुड़ो कर रहे थे लेकिन कोई उठ के यहाँ आ गया था। और आज जो है ऐसा कोई सोचा नहीं था जिसका बोला नहीं था और सभी ने बहुत अच्छी तरह बोला और जिस तरह से प्रश्न किए गए थे उसका पूरा पूरा जवाब देने को बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने इतनी देर बैठ के बहुत अच्छी तरह सीखा और हम लोगों की जो मन में जो संशय था आपको सब दूर हो गया, तो उसके लिए हम लोग आप लोगों को थैंकफुल रहेंगे कि आप लोग यहाँ बैठे इतनी देर और हम लोगों का जो संदेह थे सारे सब हमारे दूर हो गए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को और आप लोग ऐसे ही आगे अपने जीवन में उतारते रहेंगे और लोगों को सिखाएंगे, जो आपने सीखा है उसे और लोगों को भी सिखाएंगे, ऐसे ही काम करते हैं। अब ये जो प्रोग्राम हमारा इतना सक्सेसफुल क्यों रहा, हमारे बच्चों ने इतना जल्दी ऐसे क्यों सीख लिया, उसमें भानु भैया का हमारे बहुत बड़ा वो है, रोल है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह बच्चों को सिखाया। उसके लिए हम लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे क्योंकि हमने उनसे सीखा कि किस तरीके से बच्चों तक अपनी बात को हम ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही हमारे जो राजू भैया हैं, राजू भैया ने इतनी प्लानिंग की, वो चुपचाप बैठ के पूरी प्लानिंग करते रहते थे। सबसे बड़ा होता मैनेज कैसे करना, उन्होंने इतने अच्छी तरह उसको हर चीज़ को कैसे रखना, कब बच्चों को देना, ये सारी वो सब बहुत अच्छी तरह किया। तो हम उनके आपके ऊपर आभारी, निशा पाटिल के भी बहुत आभारी हैं। पहले हमें लगा कि पता नहीं क्या कैसे होगा, क्या होगा, जैसे आपको सुना
लेकिन आपने यहाँ पर विश्वास और एक प्रेम जो नौ भाव है ना, अपना विश्वास क्या है आधार भाव है ना, और प्रेम कैसा है संपूर्ण, तो आपने उसमें पूरी नवयोग से सभी ने अच्छे से सीखा समझा इसको और अपने जीवन को उतारा। बल्कि इस चीज़ को ये हमेशा ध्यान रखो फर्स्ट एंड लास्ट, ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए आपकी, और सभी का सम्मान लेकर के यहाँ से घर से परिवार में रखकर। और ये विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो भी सब्जेक्ट है आपके आपके विद्यालय जो भी विषय है उनको भी इसी तरह से पढ़ें और आगे बढ़ें। यही तो थैंक यू। चलो बेटे मित्र, एक दो बात आपसे करेंगे क्योंकि अभी हम लोग पीछे थे और अब आ गया, अभी इतने दिन हमने आपसे बात नहीं की थी, क्यों? क्योंकि हम लोग को बात नहीं करना था, केवल देखना था कि आप कैसा बिहेव करते। तो हम लोग को थोड़े थोड़े डर थे, वो आपने डर दूर कर दिए और अब हम लोग बिल्कुल डर से मुक्त हो गए, भयमुक्त हो गए। क्या डर थे कि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातों को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, तो आपने बिल्कुल कुछ झुटला दिया जो हम लोग की थोड़ी सी भावनाएँ थी ना, लेकिन आपने उसको झुठला दिया कि आप बहुत अच्छा समझ गए। और ये समझने की शुरुआत है बेटा, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये वर्कशॉप ख़त्म हो रही है, लेकिन आपकी शुरुआत, अब आप हमेशा जुड़े रहोगे और आप एक एग्जाम्पल बनोगे दूसरे बच्चों के लिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में होना है। तो जब हमारी ये बेटियाँ कर सकती हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं ना। लेकिन आपको यहाँ स्टॉप नहीं होना है, इसको शुरू करना है, घर में शुरू करना है। जो जो असाइनमेंट दिए उनको असाइनमेंट को आप जाँचने परखने का बहुत मौका मिल रहा है आपको। फिर जैसा राजू जी ने कहा कि 15 दिन बाद हम लोग मिलेंगे, फिर आप लोग शेयर करोगे कि हमें और क्या परिवर्तन आया, हमने किस किस को और सिखाया, ठीक है? एक प्रॉमिस कि इसको बंद नहीं करना है, इसको शुरू करना है, ठीक है? बच्चों मैं आपसे ये इच्छा रखता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर लगन मेहनत से सुना, इसको आप हमेशा जैसे अपने परिवार में जाएंगे तो उसको सुन करके जो यहाँ पर ग्रहण किया हुआ है उसको परिवार के साथ शेयर करें। और इसी तरह से जो हमारी कार्यशाला चली हुई है, हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप हमेशा इसको अपने परिवार में मित्रों के साथ शेयर करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। सभी बच्चों को नमस्कार। 6 दिन की कार्यशाला अपने अंतिम पड़ाव पर है और पहले दिन से लेकर अभी तक सभी बच्चों ने बहुत एक्टिवली इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। जो कठिन शब्द थे जो कि हमें कठिन लग रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे कि बच्चे कैसे समझ पाएंगे, लेकिन बहुत ही सहजता के साथ जो आप तक उसको प्रस्तुत किया गया वो बहुत ही सराहनीय था। और मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आया क्योंकि हर बच्चे ने अपने फीडबैक में उसको स्पष्ट किया बताया। तो इन बातों को आपने ये भी इच्छा जताई है कि इसको हमारे विद्यालय में हमारे स्कूल में तो होना ही चाहिए, बाकी आगे और भी बच्चों के लिए होना चाहिए। तो ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि आप अपना नहीं दूसरे बच्चों का भी व्यक्तित्व जो है उसको दिखाना चाहते हैं, तो इसको अपने जीवन में उतारिए, आगे लेकर जाइए और इसी उम्मीद के साथ अगली बार हो सकता है हम कहीं मिले। आप सभी बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। आप लोग एक बार फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा छात्र जीवन फिर वापस लौट आया है। और आज आप लोगों ने इस कार्यशाला के माध्यम से जो पढ़ा, जो समझा, जो आपकी इस कार्यशाला के माध्यम से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया, तो आप लोग मैं चाहूँगी कि यही परिवर्तन आप सदा बना के रखें और अपने घर में परिवार में मित्रों के साथ इस बात को शेयर करें और ये आपके व्यवहार में सदा बना रहे, इसका पुनरुत्थान प्रयास करें, ताकि जो इतने सारे स्टाफ ने आपके पीछे इतनी मेहनत की है, जो उनकी ये मेहनत सफल हो, जो इस कार्यशाला के माध्यम से जो करना चाहते हैं वो उनकी पूर्ण रूप से जो उनकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए और आप उस इच्छा पूर्ति का एक साधन है। तो प्लीज़ आप लोग इस हमारी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद। नमस्ते सर। अपनी
बात को बेटा समय कम है, दो तीन पॉइंट पे कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि 8 से 5 तक का बहुत लंबा समय था, आप सभी लोग बिना किसी के कहे खुद पूरी तैयारी से, जैसा आपके घर वालों ने बताया, दौड़ करके इस वर्कशॉप को अटेंड करने आते थे, शाम तक रुकते थे, सारे काम आपने किए, बहुत अच्छे से आपने वर्कशॉप किया। इसका मतलब आपको ये वर्कशॉप अच्छी लगी और आप इसको करना चाहते। एक नंबर, लगभग 20 बच्चियों ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि ये सारे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम हो, हर स्कूल में हो, हर बच्चे को दिया। और नंबर 3 जो सबसे आखिरी बात है लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, जब ये पूछा गया कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आगे जाकर के ये वर्कशॉप करना चाहते हैं, तो कम से कम 15 से 20 हाथ उठे। तो 20 बच्चियां हमारे बीच में ऐसी बैठी जो कह रही हैं कि हम वर्कशॉप करेंगे। और जो कृतज्ञता का भाव, क्योंकि खासतौर पर भानु भैया, अनु भैया, ईशा जी, आपने जो प्रयास किया और जिसने हमें श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उसके प्रति जो कृतज्ञता का भाव आपकी आंखों में है, आपने जो व्यक्त किया है वो भी एक अत्यंत श्रेष्ठ जो है हमारे संस्कार है, मैं उसका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बच्चों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है आपका, आप बच्चियाँ एक उदाहरण बनेंगी पूरे मध्य प्रदेश के लिए और ईश्वर ने चाहा तो पूरे भारतवर्ष के लिए। थैंक यू। प्रिय बच्चों, हमारे सम्माननीय भैया बाबा, नमस्ते। आदरणीय भैया जी और हमारे समस्त स्टाफ के सदस्यगण, कभी कभी जब सबसे कमजोर टीम सबसे मजबूत टीम बन करके उभरती है तो पूरी दुनिया को आश्चर्य होता है। यदि अफगानिस्तान क्रिकेट में जीत जाएगी ना तो पूरे विश्व में तहलका मच जाएगा कि अफगानिस्तान कैसे जीता, सबसे कमजोर टीम थी। जब प्रयोग किया जाता है ना तो कई बार बहुत कम, जैसे कोरोना का टीका है ना वो पहले किसे लगाया जाता, सब डरते कि हम नहीं लगवाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पर सबसे हिम्मत वाला जो होता जो पहला टीका लगवाता है, ठीक है, बाद में तो सब लगवाने लगते हैं। तो सबसे कमजोर टीम तो सबकी सबसे मजबूत बन के उभरी है, क्योंकि पहला टीका था तो तुम सबके लिए लगा, ठीक है ना। तो एक उदाहरण के रूप में तुम लोगों का नाम रहेगा। जब हमें कभी वीडियो फिल्म दिखानी है दूसरे बच्चों के लिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो सैकड़ों जगह से तुम्हारा चेहरा दिखाई देने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपके लिए अवसर मिला और आप लोगों ने बहुत मन से इस चीज के लिए सीखा, और हमें चाहते हैं कि आप निरंतर रूप से जुड़े रहेंगे। जब 9th में आएंगे, अभी तो आप 8th में हो, 9th में सारी चीजें फिर से रिपीट होने वाली है अगले साल, तो तुम ही होशियार रहो पूरी क्लास में, जो तुम्हारे याद पहले उठेगा। अच्छी बात है, आपको एक अवसर मिला और आपको उस अवसर का उपयोग किया, सभी लोग रहे अपने गार्जियन के साथ ही रहे। अब घर पर जाकर के आपके व्यवहार में परिवर्तन देखना चाहिए, यदि व्यवहार में नहीं देखेगा, जैसे उसने कहा तो उसने जाके तो लपाड़े मार दिए, ठीक है ना, अब नहीं मारना है, ठीक है ना, अब अंतर आ जाना चाहिए। अगर क्योंकि लोग आपका व्यवहार देखेंगे, घर के लोग क्या देखेंगे, आपका ज्ञान थोड़ी देखेंगे, ये बोर्ड की चीजें नहीं देखेंगे, आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है। एक गाँव में एक आदमी को सब लोग पागल पागल बोलते थे, ये पागल है पागल है, तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि गांव छोड़ देते हैं, सब पागल बोलते हैं। तो उसने कहा क्या करें, दूसरे गांव में चला गया, दूसरे गांव में गया तो पानी पी रहा था, तो जब पानी पीने लगा तो अचानक से एक आदमी निकल के आया, बोला तुरे पागल कहां से आए, तो उसे आश्चर्य हुआ कि यार हमारे गांव के तो सब पागल बोलते थे, इसे कैसे पता चला कि मैं पागल हूं। तो उसने उससे पूछा कि तुम ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला हमारे गांव में तो सब पागल बोलते थे। उसने कहा जब तू नल से पानी पी रहा था तो पानी पीना खत्म होगा तो तू सिर क्यों मिला लेना, तो बंद करना था ना, तो सर से जब तू मना कर रहा है तेरे व्यवहार से पता चलता है तू पागल, समझ में। तो व्यवहार हमारा बताएगा कि हमने क्या सीखा, वो व्यवहार आपके घर पे दिखाई देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा व्यवहार
सबके जीवन में आए, सब अपने जीवन के लिए भी जैसा आप समझ के साथ में एक समृद्धि अपने अंदर लाना चाहते हो लेकर के आए इस भावना के साथ। Thank you.
कॉलेज में एक और बड़ा जो ग्रुप था वो आप लोगों की किताबों पे काम कर रहा है, और सर वहाँ पर आप लोगों ने वर्कशीट खरीदी तो दिखाने के लिए कॉलेज लेकर आए थे, तो वो वहाँ पर पता है वहाँ सारे टीचर्स होते हैं जिस कॉलेज में सर आए थे दिखाने, तो सारे टीचर्स आप लोगों के देख के दंग रह गए कि आप लोगों ने इतनी अच्छी वर्कशीट खरीदी, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हम लोग की किताबों पे काम कर रहे थे तो हम लोग इसमें ये देख रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें कठिन जा रही हैं बच्चों के स्तर के हिसाब से, लेकिन जब आज देखा तो आज बिल्कुल ऐसा लगा कि आप लोग सारी चीज़ें सीख जाओगे, है ना। बस आगे आपको अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारना है, और ये जो आपने शब्द सीखे हुए अब इन शब्दों का हम अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग करें, ये धन्यवाद। मैं तो आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, मैं श्रद्धा गुप्ता, और आप सब अगले दिन बच्चे के बीच बोलना इसलिए आप लोगों का मन रखने के लिए मैंने बोला। बस आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आप इन्हीं भावों के साथ अपने घर में जिए, उसको अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में उन भावों को फैलाने का भी कोशिश करें, है ना। जब आप अच्छे रहोगे तो अच्छा ही दोगे, है ना। तो आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, ठीक है। काम को पूरा करो, होते जा रहा है अपनी फाइल।